आगे लोग ये क्या कह रहे हैं अनुभा के बारे में कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की हाथी हुआ क्या है प्लीज बताओ बकवास कर रहे हैं सब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आदि पर अगर ये बात और फैली और ऊपर तक पहुंच गई तो उसकी जॉब को खतरा हो सकता है आदि हमें लगता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए कि वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर आराम करे पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ है ना उससे उभरने में मदद मिलेगी अनुभा की छुट्टी ले ये सारा किया धरा उस शुभ का है उसे जहाँ जाना जाए हम तो कहते हैं घर ही बैठ जाए जी तुम शुभ की बात क्यों अफवाहें अनुभा के बारे में फैल रही हैं उसका करियर एग्जैक्टली अफवाहें हैं ये और अगर इस सब में कुछ भी सच्चाई ना काव्या तो वो ये है कि अनुभा जो भी करी उसका जिम्मेदार शुभ है बस अति तुम छोड़ दो ना उसे अब उसका दिमाग घूम गया है उसे खुद को नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है हमें तरस आ रहा है उस पर इतनी अच्छी लड़की खो दी है उसने हाँ अच्छी लड़की खो दी उसने अपनी बात कर रही हो तुम काव्या क्या आदि बेचारा शुभ बहुत तरस आ रहा है उस पर तुम्हें इसलिए सुबह सुबह उसके घर पहुंच के उसे गले लगने के लिए मैं पता चल गया सो सॉरी नहीं पता चलना चाहिए था काव्या अगर अपने पति के पीठ पीछे जाके किसी से मिलना है ना तो ठीक से छुपाना सीख लो हम तुमसे कुछ छुपा नहीं रहे थे हमें काम था उससे वो नशे में धुत पड़ा था इसलिए हमें घर जाना पड़ा मैंने उसे तुमसे माफी मांगने के लिए भी बोला था माफी मांगी थी उसने माफी नाटक कर रहा था अरे जो भी हो मांगी तो ना कम से कम और अभी हमें सिर्फ अनुभा की फिक्र है कहीं उसकी नौकरी ना चली जाए वो अनुभा हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज है उसे कुछ नहीं होगा करने की जरूरत तुम्हें है काव्या तुम अभी भी उस दवाइयों के घोटाले में इन्वॉल्व हो हाँ आदि और हम उनका पर्दाफाश करने के बहुत ज्यादा क्लोज है आदि हमें बस दूर रहो बंस दूर रहो आदि हमारी बात सुनो हमें वो दवाइयां पहुंचानी है बबुआ तक वहाँ पे लोग मर रहे आदि ये देखो हमने पूरी फाइल तैयार करके रखी है जो हम हेल्थ मिनिस्टर के पास ले जाने वाले हैं तो ये कोई और भी कर सकता है ना काव्या कर सकता है हमने कोशिश भी की थी जितने भी काबिल अफसर है ना जिन पर हमें भरोसा है उनमें से कोई भी तुरंत जाने के लिए तैयार नहीं है आदि हमें ही करना पड़ेगा और आदि हमारी बात सुन वाटर कंटेमिनेशन का मामला है अगर हमने अर्जेंटली दवाइयाँ नहीं भिजवाई ना तो हजारों लोगों की जान जा सकती है हेलो सर मिस्टर प्रधान मिसेस प्रधान बैठिए नो थैंक यू सर मिस प्रधान ने रिपोर्ट तैयार की है बबुआ गांव के वाटर कंटामिनेशन क्राइसिस पे इस पे हमें अर्जेंट एक्शन लेना है बैठिए तो सही मैं देखता हूँ ग्रेट वर्क मिसेस प्रधान थैंक यू सर और सर हम चाहते हैं कि हम अपने बेस्ट ऑफिसर्स को भेजें वहाँ पे क्योंकि लोगों की जान खतरे में और अगर आपकी परमिशन हो तो हम खुद ही काम करना चाहेंगे लेकिन मिसेस प्रधान आप प्रेग्नेंट हैं एग्जैक्टली इस हालत में ये रिस्क क्यों सर एक्चुअली क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं सर अगर आप हमें हाई लेवल सिक्योरिटी डिटेल सेंक्शन कर देंगे ना तो रिस्क भी नहीं रहेगा कोई सर लेकिन यहाँ पे लोगों की जान खतरे में है ये बहुत बड़ा स्कैम है सर और गाँव में एपिडेमिक फैलने का खतरा है अगर टाइम पे दवाइयाँ नहीं पहुँची तो फिर लोगों की जान खतरे में और आ जाएगी काव्या
ठीक है, हम देखते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम तो करना पड़ेगा। बट सर, थैंक यू सर, थैंक यू। काव्या, तुम वहां नहीं जा सकती। हाथी, तुमने तुमने सुना ना सेक्रेटरी सर ने क्या कहा, वो हमें हाई लेवल सिक्योरिटी देंगे। काव्या प्लीज हमारी बात सुनो, तुम्हारी जान को खतरा है, कैसे समझाए तुम्हें तुम? गांव वालों की जान को भी खतरा है और उन्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं है। काव्या, हम कब कह रहे हैं उनकी मदद मत करो, बस कोई और तरीका ढूंढ लो यार। देखो, हम नहीं जानते कि ये घोटाला किस लेवल तक जाता है, सब अपनी दाल गलाना चाहते हैं, हम भरोसा किस पे करें? हमारी बात सुनो, तुम्हें हमारी फिक्र है ना, तो तुम चलो हमारे साथ, पति नहीं एमएलए बनके हमें सपोर्ट करो। लेकिन हमें जाना होगा। काव्या देखो, तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है हमें रोकने के लिए। आदि सर, आप दिल्ली चले गए और आपने हमें बताया भी नहीं, आपका सिक्योरिटी डिटेल प्लान होना चाहिए था। अनुबा, हमने मैनेज कर लिया है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सर, आप प्लीज हमें ऐसे मत ट्रीट करिए जैसे हम बीमार हैं, वो बस एक इंसिडेंट था और वो हो चुका है। ओके ओके ओके, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ओके, वो एक्चुअली हमने मोटर बाइकर्स के बारे में बताने के लिए कॉल किया था। क्या अपडेट है? बाइक मिल गई है लेकिन उसका जो नेम प्लेट है वो फेक है, तो उस पर तहकीकात चल रही है, कोई भी अपडेट होती है तो हम बताते हैं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप प्लीज थैंक्स मत बोलिए, आपकी सुरक्षा करना तो हमारी ड्यूटी है, आप बहुत ज्यादा अहम हैं देश के लिए। थैंक यू अनुबा, बाद में बात करते हैं। ओके, यू टेक केयर। सर, एक मिनट, आपसे कुछ बात कर सकते हैं क्या? हम बस वही कह रहे हैं जो हमने देखा है। देखिए, आप जानते हैं कि अब शुभ सिंगल है और शुभ और काव्या के बारे में प्लीज थोड़ा अलर्ट रहिए। आज भी काव्या शुभ को कॉल भी कर देती है तो उसके चेहरे पे तो ऐसी स्माइल आ जाती है जैसे कि अभी भी जब शुभ को कॉल आया काव्या का, तो उसकी आंखें तो ऐसे चमक रही थी कि जैसे अभी वो जाके मिल। काव्या ने शुभ को कॉल किया? हाँ, अभी उसी से बात कर रहा है। काव्या, इसका कॉल है, पापा से बात कर। अच्छा, तुम यहीं पे रुको, हम जरा मुंह धो के आते हैं। तुम्हें क्या लगता है काव्या, तुम हमसे हमारा प्यार छीन लोगी और हम कुछ नहीं करेंगे, देखते रहेंगे? शुभ पर ऐसा कैसे हो सकता है, हमने नाके पे चेकिंग लगवाई थी तो फिर वो ट्रक निकला कैसे? ए, वो किसी ने नाका हटवा दिया था वहां से। देखा, हम कह रहे थे हमें पता था कि हमें जानबूझ के यहाँ कॉन्फ्रेंस में भेजा गया। What do you think it, शादी?
शुभ प्लीज हर बात में आदि का नाम बीच में मत लेकर आओ। हम जानते हैं उसे हमारी फिक्र है लेकिन वो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करे। लेकिन अब जो भी आगे करना है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये तक नहीं पता चलना चाहिए कि हमारी तुमसे बात हुई है इस बारे में। ठीक है पर ये बताओ करना क्या है, कुछ सोचा है तुमने? हाँ। तुम खुद बबू आ जाओ, जाके देखो कि वहां पे क्या हो रहा है। जितनी भी दवाइयां वहां पे पहुंची हैं ये कंफर्म करो कि वो दवाइयां असली हैं या नकली हैं। ठीक है जाते हैं। ओके ओके चले। पापा से बात हो गई मंसूर? हाँ। हमारी बात नहीं करवाई? वो थोड़े बिजी थे। इतनी क्या प्राइवेट बात थी? तुम्हें हर चीज क्यों जाननी है? तुम्हें क्यों छुपानी है काव्या? अच्छा तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने कभी हमसे कुछ छुपाया ही नहीं। चले कॉन्फ्रेंस बस शुरू होने वाली है। कब से वेट करें दवाइयों का, मरीजों की हालत बहुत खराब है, जल्दी से लेके उन दवाइयों को। ये आईसो सब यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो किसी की खबर दी होगी। और उसके साथ डीसीपी का बंदा भी है, ड्रग कंट्रोल ब्यूरो, सरकार की तरफ से दवाइयों चेक करने वाला। मैडम एसडीएम ऑफिस से आईएएस शुभ ठाकुर आया है। लेकिन उसे पता कैसे चला? मैडम जी अगर सैंपल चेक हुआ ना तो सारा माल पकड़ा जाएगा। क्या करना है? एक काम करो, आ गए तुम लोग। क्या बात है वंशु, कल शाम से देख रहे हो तुम बहुत परेशान लग रही हो। और ये बार बार किसका फोन ट्राई कर रही हो तुम? बताओ हमें। शुभ को पता नहीं वो कहाँ पे है, फोन नहीं उठा रहा। होगा कहीं किसी और की शादी तोड़ रहा होगा। तुम्हें क्या मतलब है उससे? आदि हमने उसे अपने काम से भेजा, अगर अगर उसे कुछ हो गया। काव्या काम है ना, 24 घंटे उस पर नजर रखने की क्या जरूरत है तुम्हें? काव्या हम तुमसे बात कर रहे हैं। एक सेकंड आदि, हमें ये न्यूज़ देखनी है, एक सेकंड। काव्या तुम अभी एक डेस्क जॉब करती हो, ये न्यूज़ अलर्ट का बीप ऐसा लगा रखा है जैसे तुम्हें फील्ड में काम है। बुआ के हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस के इंजेक्शन से 10 बच्चों की मौत। व्हाट? हाँ? बुआ ये वही जहां ने कुछ चुप को भेज दी। जब तक हम उसे सजा नहीं दिलवा देते हम चैन से नहीं बैठेंगे। आओ काव्या। प्लीज प्लीज हमें छू मत। हम अरे तुम्हें देखो तुम हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं कि तुम हमसे प्रोफेशनल दूरी बना के रखोगे। अरे लेकिन तुम्हें लगी है। हाँ हम जानते हैं, हम इलाज करा लेंगे। अरे
कहाँ नेता जी, हमारे पीछे भागते भागते आपको दौड़ने की आदत पड़ गई लगता है। सीमा जी, मैं आपसे यहाँ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, ये जो खेल की ड्रेस पहनी ना मैंने, इसलिए पहनी कि लोगों को पता न लगे कि मैं आपसे मिलने आया हूँ। हमने तो पहले ही कहा था, हम एक ऐसा नशा है जो एक बार लग जाए तो लत छूटती नहीं है। आप बात की गंभीरता को समझ नहीं रही हैं। 10 लोग मर चुके हैं आपकी नकली दवाइयों के चक्कर में, और आप यहाँ हाथ पांव मरोड़ रही हैं। ज्यादा मासूम मत बनिए नेताजी, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि आपने किसी की जान लेने की कोशिश की हो। गड़े मुर्दे मत निकालिए सीमा जी, हम यहाँ अपने लिए नहीं आपके लिए भी आए, और ये बात कहने के लिए आए कि हमारा इस मामले से अब कोई लेना देना नहीं है। लेना देना नहीं है मतलब? लेना देना नहीं है, योगा क्लासें कैंसिल कर दूं? हाँ, ये एक दलदल है गिरी जी, इसमें एक बार गिरे नहीं कि धसते चले जाएंगे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास नेताजी। हमने आपसे पहले ही कहा था, रिस्क है तो इश्क है। वैसे भी और भी गम है जमाने में फुरकत के सिवा, तखलिया। सीमा, तू बहुत चालाक चुड़ैल निकली। शरीर को चोट पहुंचाने से दिल के घाव नहीं भरते, वो तो दिल की भड़ास को निकालने से ठीक होते हैं। तुम जहां आज हो, हम वहां से गुजर चुके। अब ठीक है? ठीक तो नहीं है, बस अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पर हम ये कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो आदि, हम हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें कोई भी बात करनी हो तुम हमसे कर सकते हो। हम जानते हैं कि तुम वो मर्द हो जो अपनी बीवी के बारे में शिकायतें नहीं करता है, पर जो सच है वो तो है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम शुभ को काव्या के करीब आते हुए नहीं देख पा रहे हो। काव्या का छुप छुप के शुभ से बात करना, उसका दौड़े दौड़े उसके पास चले जाना, दोनों का एक दूसरे को छूना तुम नहीं बर्दाश्त कर। बस, इनफ। तुम्हारी पत्नी के बारे में बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर सक्सेना, कुछ पता चला? मैंने सबसे पूछताछ कर ली मैडम, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो फिर से करो, एक एक गांव वालों से पूछो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी इंसान ने ना कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। जी मैडम। सोच तो तुम भी यही रहे हो आदि, है ना? पर हमारे कहने से चिल्ला पड़े, ठीक है, चुप हो जाते हैं हम। लेकिन हम दोनों ये जानते हैं कि यही बात सच है। और हमारे साथ भी यही हुआ है, और हमने तो ये समझा है कि इस दर्द को अकेले झेलना बहुत मुश्किल है। आदि, प्लीज। अच्छे पति होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जो भी होता रहे सहते जाओ और अंदर ही अंदर घुट के मर जाओ। आदि, कमिटमेंट एक साइड से नहीं होता है,
और जब वो कुछ भी करने से नहीं शर्मा रही है तो तुम दोस्त बनने से क्यों शर्मा रहे हो? अरे चिल, हम तो बस एक दोस्त की हैसियत से कह रहे थे। दो दोस्त एक कॉफी तो पीने चल ही सकते हैं ना? दोस्तों वाली कॉफी। क्या बात है, हमारी बीवी हमारा इंतजार कर रही है हमारे चोट पे मलहम लगाने के लिए। क्या हुआ, हॉस्पिटल की मरीज से फुर्सत मिल गई तुम्हें? आदि, ये कैसे लगी है, तुम ठीक हो? इतनी चिंता हो रही है? डोंट वरी बेबी, हमें अपने मरहम पे पट्टी लगाने वाली मिल गए हैं, अब तुम आराम से अपने काम पे फोकस कर सकती हो। आदि कैसे लगे तुम? आदि काव्या, तुमने तमाशे का बंदर देखा है जो हमेशा दूसरों के लिए ताली बजाते रहता है? लोग मान लेते ही उसका काम है दूसरों के करतूत पे तालियां बजाना। उसकी कोई चाह कोई ओपिनियन हो ही नहीं सकती, वो बस नाचेगा कूदेगा और तालियां बजाएगा। लेकिन काव्या, एक दिन इसकी बैटरी भी खत्म हो जाती है। तालियां बंद, नाचना बंद, उछलना बंद, फिर सब हैरान हो जाते हैं। ये तो उसका काम था, अब ये किस काम का? आज ये तुम कहना क्या चाहते हो? हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या कहना चाहते हैं, हम क्या शुभ कैसा है? ठीक, डॉक्टर ने कहा कि कोई सीरियस बात नहीं है। यहाँ जी, तुम उसकी बात क्यों कर? हो, हम उसकी बात नहीं कर सकते, फिर तुम उसकी बात कर सकती हो? तुम उसके सामने रो सकती हो और उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे सर पे हाथ रखेगा, हमारी बीवी के सर पे हाथ रखेगा वो? हम तुम्हारे साथ हमेशा है काव्या, चाहे जो हो जाए हमेशा। तुम अकेले नहीं हो आदि, तुम्हें कोई भी बात करनी हो तुम हमसे कर सकते हो, और हमारे साथ भी यही हुआ है। इस दर्द को अकेले झेलना बहुत मुश्किल है। वो हम थोड़े बोर हो रहे थे तो सोचा कि कॉफी पी लेते हैं। हाँ मधुर, बोलो। हाँ सर, ये कह रहा था सर, जो मैं सर मैंने आपको जानकारी दी थी, आपने काव्या मैडम को बताई क्या, या मैं उनको फोन कर लूँ? अरे हमने कहा ना तुमसे, हम बता देंगे काव्या को। सर उनको रोता हुआ देखे सर तो अच्छा नहीं लगा था, हम सर किसी भी तरीके से उनकी मदद करना चाहते हैं सर। समझते हैं, बाद में बात करता हूं। काव्या आओ, बैठो ना, बैठो। मधुर से बात हुई थी, उसने बताया कि बबुआ गांव जाके तुम्हें कितना बड़ा धक्का लगा, उस दिन हॉस्पिटल में तुम्हें रोता हुआ देख हमसे नहीं रह गए काव्या। हमने सोच लिया कि हम हर तरीके से मदद करेंगे तुम्हारी, जो हमारे बस में होगा हम वो करेंगे तुम्हारे लिए। मधुर से इन्फॉर्मेशन मिली, जांच पड़ताल करी हमने सारी, और ऐसी खबर लाए हैं तुम हैरान हो जाओगी सुनकर। क्या खबर है?
आदि, उस दिन तुमने जो भी किया वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था। अनप्रोफेशनल? हमारी बीवी और बच्चे की जान खतरे में थी अनुभा। आदि, वो कांच पे हाथ मारना, एक एमएलए होकर ऐसा करना, अगर पार्टी तक ये बातें पहुंची तो सवाल उठेंगे और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी कैंसिल किया जा सकता है। हमारी शादी पे आंच आ रही है अनुभा, और हम अपने पोर्टफोलियो के बारे में सोचे? नहीं रोक पाए हम खुद को। हम चाहते हैं कि हम काव्या पे यकीन करें कि उसके दिल में शुभ के लिए कुछ भी नहीं है, पर वो ख्याल दिल से जाते ही नहीं है ना। कॉफी? हम समझ सकते हैं। और एक और बात बोले तुमसे, तुम दोनों में चाहे जितना ही प्यार क्यों ना हो, शुभ हमेशा काव्या का पहला प्यार ही रहेगा। और पहला प्यार कोई इंसान नहीं भुला सकता। शुभ तुम्हारा पहला प्यार था अनुभा? काव्या हमारा पहला प्यार है। वो पहली लड़की नहीं जो हमारे करीब आई थी, पर प्यार हमें पहली बार काव्या से ही हुआ था। तुम्हें शुभ से प्यार क्यों हुआ? शायद इसलिए क्योंकि उसे हमसे प्यार हो गया था। हम तो अपने आप को इतना लकी समझते थे कि शुभ जैसा लड़का हमें चाहने लगा है। ऐसा लग रहा था कि हमारा सपना पूरा हो गया है। उसके बाद क्या, ना कोई सवाल ना कोई शक। उसके तो पूछने से पहले हमने हाँ कर दी थी। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमने कितना गलत किया, क्योंकि वो तो अपना पहला प्यार भुला ही नहीं पाया था। हम दोनों ने एक ही वजह से अपना प्यार खोया है आदि। गुड नाइट शुभ। गुड नाइट। ये इन्फॉर्मेशन ना सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हमारे लिए। उस ट्रक ड्राइवर की गवाही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। शुभ, तुम्हें पता है कि आदि को इस कॉन्फ्रेंस के बारे में सीमा चौधरी ने ही बताया था। उस औरत का कुछ तो कनेक्शन है इन सबसे। इसका पता तुम लगा के रहेंगे। थैंक्स, बाय। और तुम्हें कब प्यार हुआ काव्या से और कैसे? जब पहली बार उसने खुद को छुड़ैल कहा। वो तो अच्छा हुआ तुमने रिश्ता तोड़ दिया, वरना अगर हमें पता होता तुम ऐसे रंग दिखाओगी तो हम ही रिश्ता तोड़ देते। और नहीं कह पाएंगे आप। हमें ना जलन हो रही है आदि।
किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि कोई उससे इतना प्यार करे। अब तो हमें काव्या पे और गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा रिश्ता टूट गया। हाँ, इंसान है हम, भगवान नहीं है कि उसको माफ कर देंगे। ठीक है, माना शुभ गलती कर रहा था तो काव्या भी तो उसको रोक सकती थी ना, या उसे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि तुम जैसा इंसान बहुत किस्मत वालों को मिलता है। जो उससे इतना प्यार करता है कि हम हमें वो प्यार छीनने का मन कर रहा है। देखो, हमें एक्चुअली बहुत अर्जेंट बात करनी है, बस 2 मिनट लगेंगे। आप हमें मैसेज दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। हमें एक्चुअली ये बताना था कि हमें क्लिनिक से फ़ोन आया था और डॉक्टर को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए उन्होंने सोनोग्राफी के लिए थोड़ा पहले बुलाया। हमें 1 घंटे में पहुंचना है वहाँ पे। नादी वॉन्ट्स टू बी देयर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने अपनी बाकी की मीटिंग्स पुश की हैं, तो प्लीज़ उसे रिमाइंड कर देना। श्योर, हम बता देंगे। ओके। हाय आदि। हाय। तुम्हें कुछ अर्जेंट काम था? हाँ, वो आपके नेक्स्ट टूर का सिक्योरिटी डिटेल बन गया है, अगर आप एक बार देख लेते तो। रख दो यार, हम बाद में देख लेंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो शो? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहे हैं, तुम्हारा फोन ही नहीं मिल रहा। क्या शंकर से मिलके क्या पता चला? क्या हो? कुछ भी नहीं। सीमा चौधरी बहुत ज्यादा चलाक है, वो शुरुआत से ही गेम खेल रही है, इसलिए तो हंस रही थी कि अब हमें शंकर मिलेगा नहीं, वो गांव चला गया। अब मिस्टर सक्सेना भी यही बोल रहे हैं कि अब वो वापस नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पास कोई गवाही नहीं है? हमारे पास अगर गवाह नहीं है तो कम से कम सबूत तो ढूंढना ही पड़ेगा अशोक, नहीं तो हम इंक्वायरी कमेटी बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन कैसे? आदि, हमें घुमा फिरा के बात करना नहीं आता। क्या तुम्हें ये लगने लगा है कि हम तुम्हें लाइक करने लगे हैं? हमने ऐसे कब कहा? हमें दिख रहा है तुम आज सुबह से हमारे साथ नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहे हो, ऑकवर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि हम तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एक्चुअली तुम सही सोच रहे हो, हाँ है हम अट्रैक्टेड तुम्हारी तरफ, लेकिन हम फिजिकल अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। हमें तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारी सोच, तुम किस तरह के इंसान हो, हमें बहुत पसंद है। एक आइडिया है हमारे पास। क्या? हम मरीज बन के वहां पे जाएंगे, शायद उससे कुछ पता चल सके। अच्छा, अभी हमें क्लिनिक जाना है, हम बाद में बात करेंगे तुमसे। ये अलार्म? वो हम और आदि बिजी रहते हैं तो हर चीज के लिए अलार्म लगा के रखा है ताकि कुछ भी मिस ना हो जाए हमसे। बाय बाय। आदि, आई थिंक आई अनुभव, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। हम काव्या से, हमें पता है
काव्या से इतना प्यार करते हो, किस हद तक प्यार करते हो, और पता नहीं उसे रियलाइज भी होता है कि नहीं कि ऐसा प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। उसी प्यार से तो प्यार होने लगा है हमें। अनुभव, तुम, हमने कहा ना हम काव्या से। अरे ऐसी हवाइयां क्यों उड़ गई? ठीक है, जानते हैं हम हैं काफी अट्रैक्टिव, हो जाते हैं लड़के आकर्षित, इट्स ओके, तुम कोई पहले नहीं होगे। चल आदी, अब हम फ्रेंड्स हैं ना, हम ये बातें तो कर ही सकते हैं, क्यों? ठीक है, लेकिन अनुबा, हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, किसी और की तरफ आकर्षित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, फिर तो अटपटा बिहेव करने की, ऑकवर्ड फील करने की तो कोई वजह ही नहीं बची, है ना? जब तक तुम्हें अपने प्यार पे, अपने आप पे भरोसा है, तो हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, है ना? सॉरी, तुम्हें कहीं जाना था क्या? नहीं अभी नहीं, शाम को, वो हमारा सोनोग्राफी का अपॉइंटमेंट है। हमें एक्चुअली ये बताना था कि डॉक्टर को थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए उन्होंने हमें सोनोग्राफी के लिए थोड़ा पहले बुलाया है, हमें एक घंटे में पहुंचना है वहाँ पे। एंड आदि वांट्स टू बी देयर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अच्छा है, हमारे पास तो कॉफी के लिए टाइम है ना? अनुबा, आई डोंट थिंक ये। आदि, फिर से एज अ फ्रेंड बोल रही हूँ, एक कॉफी की तो बात है, यहीं बैठ के पीनी है, प्लीज। ठीक है, पीते हैं कॉफी। हम बनाते हैं। जरा आराम से हाँ, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिक केटल है उसका वायर कभी कभी करंट मारता है, तो बी केयरफुल। ठीक है। आपके साथ कोई आया नहीं? नहीं, वो हमारे हस्बैंड आने वाले थे, मतलब आने वाले हैं, वो आ रहे हैं बस। आपका फोन और बाकी सामान लॉकर में रखना होगा। हाँ, बस 5-10 मिनट रुक सकते हैं, वो आ ही रहे होंगे। सॉरी मैम, डॉक्टर को जल्दी जाना है, आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि आपका सारा सामान लॉकर में रख दिया जाएगा। एक सेकंड, एक मिनट के लिए दीजिए ना हमें फोन, प्लीज एक मिनट बस। थैंक यू। क्या सोनोग्राफी का टाइम? पर अपॉइंटमेंट तो 1 घंटे बाद का था। सो सॉरी आदि, वो एक्चुअली काव्या ने हमें बताया था कि अपॉइंटमेंट अब थोड़ी जल्दी हो गई है, पर हम आपको बताना भूल गए। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, जस्ट यू गो फॉर द अपॉइंटमेंट, कॉफी ऑफिस अब छोड़ो। ठीक है। या, हमने कहा था ना उसे टच मत करना, तो फिर आई यू ओके? आई एम ओके आदि, इट्स कम ऑन, गेट अप, आओ आराम से। अनुभा, अनुभा, गॉड, अनुभा उठो, अनुभा उठो, अनुभा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।